तो जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए क्या होता है, जब भी आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे फर्स्ट गियर में गाड़ी को आप कभी भी पिकअप लेने की कोशिश करते हैं तो मतलब आप जो है आपको पता है कि जो स्टार्टिंग का पिकअप होता है काफ़ी बेटर होता है और गाड़ी एक बार में उड़ जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना बहुत लोग कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं इसी पिकअप को लेकर, क्योंकि उसमें होता क्या ना कि जो है पिकअप को लेकर अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना इसमें करने का पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, गाड़ी उठान मतलब गाड़ी को पिकअप लेना जो है, कोई आपको पता है कि यहाँ पे जिसे फर्स्ट गियर में लेते हैं तो तब तो ठीक होता है, लेकिन अगर वही चीज़ आप जो है यहाँ पे गियर को लेते हैं, गाड़ी को अगर पिकअप लेते हैं तो भाई कहें अगर आप जो है सोचते हैं कि नहीं भाई मैं थर्ड गियर पे ही गाड़ी को यहाँ पे पिकअप ले सकता हूँ या फिर उठा सकता हूँ एक बार में, जैसे ये गाड़ी हमारी रुकी हुई है, ठीक है, अभी मेरी गाड़ी रुकी और मेरी गाड़ी में जो है अभी थर्ड गियर लगा हुआ है, गाड़ी स्टिल यहाँ पे ये उड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप भी हो जाएगा, लेकिन भाई इंजन पे इसके बहुत ज़्यादा लोड होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करने की आप जब भी गाड़ी को स्टार्टिंग पॉइंट से जब गाड़ी को उठाने की कोशिश करें तो आप कोशिश ये करें कि गाड़ी को जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ही उठाने की कोशिश करें, मतलब फर्स्ट गियर से ही उठाने की कोशिश करें। देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में उठ जरूर जाएगी गाड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड होगा तो इससे हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखिए गाड़ी उठ जाती है और ये भी बहादुर नहीं होती, बहुत लोग कहते हैं भाई देखो मैं तो तीसरे गियर में गाड़ी को उठा देता हूँ, चौथे गियर में उठा देता हूँ, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ। तो देखो भाई वो ठीक है भाई, अपने में आपका कॉमन वो आपका फैक्टर है, बट फिर भी अगर हम देखें तो भाई अगर तीसरी गियर में या फिर चौथी गियर में गाड़ी को उठाते हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि भाई हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए और लोड पता है आपको इंजन में ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जितनी जो है ऊपर की गियर में रहेगी उतनी गाड़ी को उठाने में आपको दिक्कत होगी फ्यूचर में, ठीक है। तो इस चीज़ का ये बहादुरी लेके नहीं चलनी कि हाँ भाई हम तो थर्ड गियर पर गाड़ी को उठा देते हैं, ठीक है। ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी, जो जैसे नए ड्राइवर्स होते हैं बिगिनर्स होते हैं वो लोग जरूर सोचते हैं कि भाई चलो थर्ड गियर पर गाड़ी को उठा दें, या कहीं ट्रैफिक में भी खड़ी कर दी सेकेंड गियर पे या फिर जो है थर्ड गियर पे तो वो गाड़ी को उठाने लगते हैं, ठीक है। उठने के लिए उठ जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप उठा भी लेंगे आराम से, बट दिक्कत जो है बार बार लोड देने से क्या मतलब, जब फर्स्ट केस में ही आपका काम चल जा रहा है तो उसी से आप जो है काम चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, गाड़ी जब आराम से चल रही है भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर में और जो गियर जैसे फर्स्ट दिया है यहाँ पे उठाने के लिए तो आप आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो है गाड़ी को अगर आप उठा लेते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी जो है उठ भी जाएगी आराम से और ईजिली जो है चल भी सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखना पड़ेगा और अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखते हैं जरूर से तो यहाँ पे आपको दिक्कत फ्यूचर में नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना कि आपको यहाँ पे जितने भी गियर में आप गाड़ी को उठाने की कोशिश करें तो कोशिश ये करें कि फर्स्ट गियर को ही प्रिफेयर करें और गाड़ी की जो स्पीड है आपको पता है जब गाड़ी 30-40 के ऊपर चलने लग जाए तभी आप गियर को शिफ्ट करने की बिल्कुल कोशिश करें, ठीक है। और भाई ठीक है, ज़्यादा इसके साथ जो है ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि फोर्स नहीं करना है कि हाँ भाई थर्ड गियर पे मैं उठा के ही रहूँगा, बस कुछ भी हो जाए थर्ड गियर से ही हम गाड़ी को चलाएंगे या फिर थर्ड गियर से फोर्थ गियर से या फिर सेकेंड गियर से, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को कभी भी आपको मिस नहीं करना है और ये चीज़ें भाई लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकल भी ठीक है और टेक्निकली भी ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस गाड़ी को जो है कभी भी टेक्निकली भी देखें तो टेक्निकली प्रेफरेंस की वजह से जो है फर्स्ट गियर पे ही आप गाड़ी को उठाने की बिल्कुल कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो ज़रूर से आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और इन चीज़ों को ध्यान रखने के बाद जो है अपनी गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की, होप प्लीज़ वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आते भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।